आज नवरात्रि महापर्व का छठा दिन, इस विधि से करें देवी कात्यायनी की उपासना। आज यानी 27 मार्च 2023 सोमवार के दिन चैत्र नवरात्रि का छठा और महत्वपूर्ण व्रत रखा जा रहा है। आज के दिन देवी कात्यायनी की उपासना की जाती है। माता का स्वरूप अत्यंत मनमोहक है और मान्यता है कि पूर्ण श्रद्धा भाव से की गई इनकी उपासना से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माता कात्यायनी की पूजा करने से शिक्षा के क्षेत्र में साधक को विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं माता कात्यायनी की पूजा विधि और भोग। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 26 मार्च को दोपहर 3:02 पर शुरू होगी और इसका समापन 27 मार्च को दोपहर 3:57 पर होगा। आज 3 अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार चैत्र षष्ठी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा और रवि योग सुबह 6:16 से दोपहर 1:57 तक रहेगा और उसके बाद अमृत सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में इन शुभ योग में माता कात्यायनी की उपासना करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलेगा। माता कात्यायनी का स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और माँ सिंह यानी शेर की सवारी करती हैं। माता कात्यायनी के 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक में तलवार, दूसरे में कमल का पुष्प है। वहीं दूसरी भुजा के एक हाथ में वर और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है। चैत्र शुक्ल की पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें और फिर कलश पूजन करें। कलश पूजा के बाद माता कात्यायनी की उपासना विधिवत रूप से करें। माता को लाल फूल, अक्षत, कुमकुम व सिंदूर अर्पित करें और घी अथवा कपूर जलाकर माता कात्यायनी की आरती अवश्य करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन लाल रंग का वस्त्र पहनकर ही पूजन करें।